हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस देश को दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश माना जाता है। इतना ताकतवर कि अमेरिका जैसे देश भी इस देश के सामने घुटने टेक देते हैं। एक ऐसा देश जहाँ सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं, और साथ ही भारत को इस देश का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। ये देश इतना बड़ा है कि इस देश के 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं, और इस देश के लोग आज भी ये मानते हैं कि धरती सूरज की नहीं बल्कि सूरज धरती के चक्कर काटते हैं। दोस्तों, आज हम लोग रसिया के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देश का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है और मॉस्को देश की राजधानी है। एक बार फिर से रूस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़कर रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब इस जंग का क्या अंजाम होगा, यह जंग कब रुकेगी, इस बात का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। और इस जंग के बाद से रूस का नाम सबकी जुबा पर चढ़ गया है। आपने रूस देश के बारे में कई बातें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको रूस से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, रूस देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ ज़्यादा है। पूरे रूस में करीब 54% महिलाएँ हैं, जबकि पुरुष 46% ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूस महिला प्रधान देश है। क्या आप जानते हैं यह अंतर क्यों है? बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही जनसंख्या में अंतर आना शुरू हुआ था। इस युद्ध के दौरान करीब 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि अब युद्ध एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही बता दें कि रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। क्या आप जानते हैं रूस में सबसे लंबा रेलवे रूट है? शायद नहीं। तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम रूस में है। बता दें कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है, जो कुल 5772 मील लंबा है। और इस रेलवे रूट की एक खास बात यह है कि यह चीन और मंगोलिया से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप चीन या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो इस रेलवे रूट से यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही यह रेलवे रूट भी बेहद खूबसूरत है, जिसमें बैठने के बाद आपको चारों ओर पहाड़ दिखेंगे। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया रूसी संघ का 77% हिस्सा है, यानी साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और आपको बता दें कि यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर रास्ते में कहीं एम्बुलेंस दिख जाए तो उसे रास्ता देना चाहिए, और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, भले ही कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि उस दिन मेट्रो से सफ़र कर लें, या फिर गाड़ी की जगह बाइक लेकर जाते हैं, क्योंकि बाइक पतली सी जगह से निकल जाती है और आप अपनी मंजिल पहुंच भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रूस के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करती है? शायद यह बात सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। बता दें कि रूस की अमीर जनता अक्सर ऐसा करती है ताकि वह समय से ऑफिस या अन्य जगह पहुंच जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने कुछ शहरों को छिपा कर रख सकता है? यानी किसी देश में ऐसे शहर मौजूद है जो दुनिया की नज़र से छिपे हुए हैं और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता? जी हाँ, यह बात एकदम सच है। आपको बता दें कि रूस में करीब 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें रूस द्वारा दुनिया की नज़र से छिपा कर रखा गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पुरुषों की शान होती है उसकी दाढ़ी, और इससे उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून यह कहता हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर टैक्स लिया जाएगा, तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? शायद आपको हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि यह क्या बात हुई। लेकिन आपको बता दें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष दाढ़ी रखता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो ये थे रूस से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।